मैं हूं आपका दोस्त एक सोल्जर फिरदौस मंडल और आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में। वेलकम सबको। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम था जो एसएससी के बारे में, एसएससी कांस्टेबल जीडी के बारे में हर दिन 100 से ज्यादा ये आता है कब आएगा, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्या प्रॉब्लम था उसके बारे में मैं बताया। और बहुत सारा बंदा को जो एक प्रॉब्लम आ रहा है सर फिजिकल कैसे करें, और फिजिकल के बारे में कुछ बताओ। तो फिजिकल के बारे में कुछ बताओ, ये चीज आप लोगों का बहुत सारा बंदा को जो क्वेश्चन था उसके बारे में बताएंगे। और आप लोगों का मालूम है वेस्ट बंगाल में लेडी कांस्टेबल पुलिस का भी भर्ती चल रहा है, उसका मतलब अभी एप्लीकेशन चल रहा है, बाहर स्टेट का भी वो कर सकते हैं एज ए जनरल कैंडिडेट जैसा। तो दोस्तों फिजिकल के बारे में बताने से पहले एक बात बताऊंगा, फिजिकल शुरू करने से पहले आपको अगले दिन रात को क्या करना है। सबसे बढ़िया है आपको रात में जब सोने के लिए जाओ उस टाइम एक ग्लास पानी के साथ एक चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी घोल के उसको पी लो। उसके बाद एकदम सुबह सुबह उठ जाओ, सुबह नींद से उठ के एक लीटर पानी, पूरा एक लीटर, उससे ज्यादा होगा तो और भी बढ़िया है, आपको पीना पड़ेगा। पीने से क्या हो जाएगा, एक थोड़ा दो चार दिन प्रैक्टिस करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा, होने में आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा। तो आपको पीटी से जाने से पहले आपको पेट साफ करना बहुत जरूरत है, क्योंकि पेट साफ नहीं करोगे तो उधर आपको मतलब गैस होगा, उल्टी होगा और दूसरा साइड इफेक्ट होगा और उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको पेट साफ करना बहुत ही जरूरत है। तो आप पेट साफ करने के बाद आप आराम से पीटी में जा सकते हो, एक दो खजूर भी ले सकते हो, खा ले सकते हो। उसके बाद आप पीटी में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ग्राउंड में आप रनिंग के लिए तैयार होंगे, पहले आपको एक काम करना है, पूरा ग्राउंड एक बार देख लेना है, ग्राउंड में ट्रैक में कुछ है क्या नहीं वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपका मालूम है सबसे ज्यादा आपको मतलब लेग कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले देख लेना है ग्राउंड में कोई जाएगा कांच का कुछ चीज और दूसरा कुछ होगा तो उसको फेंक देना, ईट वगैरह कुछ भी है तो वो आपको फेंकना पड़ेगा। उसके बाद आपको पहले वार्म अप शुरू करना है, तो वार्म अप शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज करना है, कुछ व्यायाम है, फ्री हैंड का कुछ व्यायाम है आपको करना पड़ेगा, एक पार से लेकर माथा तक और नहीं तो सिर से लेकर पार पैर तक आपको जो वगैरह जो व्यायाम है वो पूरा करना पड़ेगा। घुटना का एक व्यायाम है वो आप अभी नहीं करो, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, एक दिन आप लोगों को ग्राउंड लेके पूरा क्लियर कर दूंगा क्या क्या चीज प्रॉब्लम होता है। तो वो करने के बाद आप उसके बाद रनिंग शुरू करो, ये आप कर लेंगे तो आपका चोट नहीं आएगा, और भाई चोट नहीं आएगा तो आप रनिंग में पक्का पास हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्या करना है, पहले आपको थोड़ा थोड़ा करना है, एक दिन जाके तो एक दिन 5 किलोमीटर नहीं होगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, जो नया बंदा है वो लोगों का पहले 900 नहीं तो 1000 मीटर रनिंग करना पड़ेगा, धीरे धीरे करो पर करो और रनिंग कंटिन्यू रखो। रनिंग में आप लोगों का रेस्ट नहीं मिलना चाहिए, मतलब वॉक नहीं करना चाहिए, जिसको एकदम नहीं हो रहा है वो वॉक कर सकते हैं, पर वॉक करते करते थोड़ा बहुत मतलब रनिंग करना चाहिए। तो बहुत सारा बंदा हमारा इधर भी प्रैक्टिस करता है, वो क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो आप लोगों को एक दिन खुद दिखाएंगे, और उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारी मतलब क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो क्यों नहीं पड़ रहा है ये भी आप लोगों को करने को मतलब दिखाएंगे। जिसको वेट बहुत ज्यादा है भाई उसको एक ही बात बोलता हूँ, पहले आप बहुत ज्यादा वॉकिंग करो उसके बाद रनिंग में आओ, और थोड़ा थोड़ा आप पहले रनिंग करो, बहुत धीरे धीरे रनिंग करो, उसके बाद ही आपको मतलब टाइम रहते हुए वो सब कुछ हो जाएगा भाई।
और एक चीज आप लोगों को मालूम है, कोई भी बंदा ग्राउंड में आएगा तो फर्स्ट दिन ज्यादा मत मतलब एनर्जी डालो, क्योंकि कोई भी ग्राउंड 6 से 7 सप्ताह लेता है वो हमारा जो शरीर है उसके साथ ढालने के लिए, तो 6 से 7 वीक तक आपको लगे रहना पड़ेगा। उसके बाद आप मतलब बदन के साथ कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप जोर से रनिंग कर सकते हो, जंप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपको हो जाएगा। तो ये था रनिंग करने से पहले क्या क्या करना चाहिए ये चीज, और एक चीज है कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो तो कुछ भी नहीं, इसका कोई दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर टाइम मतलब हर दिन रेगुलरली आपको करना पड़ेगा रूटिंग करके। तो दोस्तों ये था रनिंग के बारे में, फिजिकल के बारे में, और भी कुछ आप लोगों को जानना है तो जरूर आप कमेंट में दो, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत फायदेमंद होगा, अच्छा लगेगा। और दोस्तों हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, आप लोगों का हेल्प का जरूरत है, इसलिए प्लीज हमारा चैनल में सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। इससे क्या होगा, नया नया जो मतलब वैकेंसी निकलेगा उसके बारे में हम बताएंगे, साथ में कैसे इसको कवर करना है, क्लियर करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों हमारा जो चैनल में सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल वाला घंटा है वो बजा दो, और कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट में करो, एक लाइक तो दे दो यार। तो जय हिंद, जय भारत, सब खुश रहना।